दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी टेक्नोलॉजी चैनल एपी टेक्निकल गुरु पर और मैं हूं आपका दोस्त एपी। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं लेटेस्ट ऑटो न्यूज़, ट्रेंडिंग गैजेट रिव्यू और लाइव रिव्यू भी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं लाइव रिव्यू एक स्मार्ट और लेटेस्ट स्कूटर का, जिसका एवरेज काफ़ी धमाकेदार है। तो फ्रेंड्स, ये है आप जो देख पा रहे हैं ओकिनावा का टॉप मॉडल स्कूटर, जिसका एवरेज है 170 से लेके 200 किलोमीटर तक। और टॉप स्पीड भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 70 किलोमीटर है। और प्राइस की भी इसकी बात करते चलते हैं दोस्तों। पहले हम बताते हैं, इसमें मिलती हैं आपको 6 लिथियम बैटरी, तो इसका एवरेज इसलिए अच्छा है। और ये इसका टॉप मॉडल आया है फ्रेंड्स, इसमें आपको मिलेगा 170 से लेके 200 किलोमीटर तक का एवरेज। इसके बाद 3 मॉडल्स और हैं जो आपको हम दिखा देते हैं, जो काफ़ी स्टाइलिश हैं वो भी। फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये इसका टॉप मॉडल है, देख पा रहे हैं आप, काफ़ी स्टाइलिश स्कूटर है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, ये इसका सेकंड मॉडल है जो इससे कुछ डाउन है। इसमें एक बैटरी कम है, ये आप देख रहे हैं, जिसे इसमें 5 बैटरी हैं और इसकी टॉप स्पीड है 55 किलोमीटर प्लस। जैसा हमें डीलर ने बताया है कि 120 किलोमीटर चल जाता है, अगर वो चलता है टॉप मॉडल 170 से 120 किलोमीटर ये भी चल जाता है। और उससे लगभग रेट भी 10,000 रुपये कम है। चारों स्कूटर इसके जो मॉडल हैं उनमें रेट थोड़ा थोड़ा कम होता आता है। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉडल है जो आप देखते हैं, ये इससे डाउन मॉडल है। इसकी कीमत है 55,000 रुपये केवल। तो ये एक मॉडल है जो 55,000 का मिल जाता है आपको। इसके बाद और नेक्स्ट आप देखेंगे जो फोर्थ मॉडल है जिसी के पास है, और इसका प्राइस उससे भी कम है जैसा आपको पता पड़ चुका है, 47,000। डिफरेंस ये भी है कि ये इसकी टॉप स्पीड केवल 40 किलोमीटर तक है। ये इसका मॉडल नंबर है जो आप देख रहे हैं, ओकिनावा का स्कूटर है, जापानी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी अच्छा है। जो शोरूम विजिट किया है उसमें काफ़ी जानकारी मिली है। जैसा कि हमें बताया गया कि इसमें बैटरी और मोटर का अंतर है, जिससे कि इसके माइलेज में अंतर आता है। तो ये था हमने इसके बारे में जाना, जो ओकिनावा के 4 स्कूटर्स आ रहे हैं, आपको शोरूम विजिट कराया गया और उसके बारे में डिटेल्स आपको दिखाई गई। तो अगर आप भी पसंद करते हैं तो आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी अच्छा आ रहा है इस ब्रांड का। क्योंकि पहले जो स्कूटर आते थे आपने देखा होगा, उनमें दिक्कत ये आती थी, काफ़ी कम चलते थे, चार्ज होने के बाद मुश्किल से 30-40-50 किलोमीटर ही चल पाते थे और उन्हें चार्ज करना पड़ता था बार बार। लेकिन इसमें फास्ट चार्जिंग की भी फैसिलिटी दी गई है दोस्तों, कि आप अगर इमरजेंसी में हैं तो 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं।